नमस्कार, मैं आपका दोस्त सोम सहोता। आप देख रहे हैं एवन पंजाबी टीवी का खास प्रोग्राम करंट इशू। कोरोना के चलते सरकारों की तरफ से बहुत सख्त फैसले लिए गए हैं। सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है, मास्क की बात की जा रही है, सैनिटाइजर की बात की जा रही है। क्या ये कानून उन लोगों के लिए भी है या नहीं? हमारे देश के गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह जी एक हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन सभी के मुंह पर मास्क होता है, लेकिन मिस्टर अमित शाह जी बिन मास्क आप उस हॉस्पिटल में पूरा इन्होंने निरीक्षण किया, लेकिन बिन मास्क किया। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये। पूरी जानकारी के लिए मधुर यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। यादव साहब, क्या अपडेट है आपके पास इस खबर से रिलेटेड? जी देखिए संशोधन जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पंजाबी के जरिए सभी दर्शकों को कि हमारे पास एक ऐसी हुकूमत जिसने देश का कानून, देश की संविधान, देश की सारी व्यवस्था को उलट पुलट करके रख दिया है। सबसे गंभीर समस्या ये है कि देश का गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह है, पिछले दिनों दिल्ली के ही LNJP हॉस्पिटल में निरीक्षण के दौरान गए और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि उनकी निरीक्षण में सारे डॉक्टर, सभी मिनिस्टर एवं सभी पूरा LNJP हॉस्पिटल स्टाफ भी मास्क लगाए हुए हैं, सभी मानक के अनुसार है, PPE किट पहने हुए, लेकिन श्रीमान अमित शाह बस खाली हाथ जोड़ करके अभिवादन करते नजर आ रहे हैं और कहीं पर भी मास्क का कोई ना मास्क लगाए हुए है, ना निरीक्षण के दौरान जो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं उस पर कोई बात करने को दूरियां, जो सोशल डिस्टेंस रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उच्च जो मिनिस्टर है या जो लोग सरकार के लोग हैं उन्हें पूरी तरह से कोरोना नाम की बीमारी से छूट नहीं हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग सरकार में है उनका चालान नहीं कट रहा है, जो लोग कार में है उनका चालान कट रहा है जी। लेकिन यादव साहब, ये कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है या जो सरकार में बैठे मंत्री है उनके लिए क्या है? देखिए सोचा जी, मैं आपको एक बात बताऊंगी, इंडिया में कोई भी कानून, अभी पिछले दिनों में जैसे कि दिल्ली में एक वाकया हुआ था, आपको भी याद होगा कि प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल की बात कहते हुए और वो कैमरा से हट गए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने उन्होंने अपनी बात पूरे नहीं रखा। जबकि दूसरी ओर न्यायपालिका और कानून की जब बात आती है और हम और आप जब किसी मुद्दे पर टीवी चैनल में बात करते हैं तो ये लगता है कि कानून आम आदमी से कहां पर परे है, आम आदमी से क्यों हट करके एक VVIP को फॉलो ऑन करने के लिए मिलता है, उसे पूरी छूट मिलती है और आम आदमी के लिए वही एक अभिशाप बन जाता है। तो मैं दूसरी बात बताऊं कि गुजरात हाईकोर्ट में हाल ही में जानकारी में बता दूं आपको कि गुजरात हाईकोर्ट ने सारा अपनी प्रोसीजर है जो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है जी, और यहाँ तक कि सभी डिपार्टमेंटों को, केंद्रीय गृह मंत्रालयों को और भारत के सभी लगभग जितने भी स्टाफ के लोग हैं, सरकारी गैर सरकारी संस्था है, उनको भी वीडियो पर आने के लिए बोला है जी। और दूसरी बात इसलिए बोला है सिर्फ कि ताकि ये जो आपके जरिए विषय छेड़ा गया है ना, जो आज का विषय है, केंद्रीय गृह मंत्री है वह मास्क नहीं लगाए हुए हैं, वह सिर्फ इसीलिए ही बोला गया है। ये सिर्फ मात्र एक उदाहरण है VVIP लोगों का कानून तोड़ने का, क्योंकि आम आदमी कानून से नहीं बच पाता है, वो कानून के जरूर घेरे में आ जाता है और उसे शिकार होना पड़ता है, पनिशमेंट जाना पड़ता है। मैं आपको कितने उदाहरण दे दूं कि जेलों में कई बेगुनाह बंद हैं जी, वो सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि वो आम आदमी थे, जबकि VVIP गुनाहगार होकर की भी बाहर निकल जाता है। सो बहुत बहुत मेहरबानी यादव साहब, थैंक यू वेरी मच मिस्टर मधुर यादव जी, आपने पूरी जानकारी दी है। और एक बार फिर बताना चाहता हूं कि मिस्टर अमित शाह जी जो कि हमारे देश के गृह मंत्री है, वो एक हॉस्पिटल में गए और बिन मास्क के आपने देखा है कि वो बाड़ में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है या फिर इन लोगों के लिए भी है? ये है अब तक की अपडेट। नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें एवन पंजाबी टीवी के साथ। फ्री लीफ आयुर्वेदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल,
माइग्रेन ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਸ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087।